जिस तरह पछताइयों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, रोकने के बावजूद आवाम कप्तान की कॉल पर निकल रही है, आ रही है। एक तरफ ये एनओसी देते हैं, दूसरी तरफ रुकावटें लगाते हैं, लेकिन आवाम देखें यहाँ पहुंच रही है। मैं खुद पैदल आया हूँ और इन्होंने मोटरवे भी बंद किया है, इन्होंने जीटी रोड भी बंद किया है, इन्होंने रास्ते तमाम बंद किए हैं। और जो काफले थे इस्लामाबाद वाले, उधर रुकावटें हैं, जो जीटी रोड पर थे उधर रुकावटें हैं, रिंग रोड बंद की है, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ ये कहते थे कि आपने 6 बजे जल्द खत्म करना है, मोदी आवाम को भी आए हैं और इन्होंने रास्ते में रुकावटें डाली है ताकि जलसा लेट हो। हम जलसा करेंगे, आवाम आएगी, जितनी मर्जी आप रुकावटें डाले, कप्तान के दीवाने हैं, कप्तान के जाले हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पहुंचेंगे और जलसे को कामयाब। देखें बात यह है कि इन्होंने रात को बड़ा लेट दिया। अभी आप देखें एक बस के ऊपर हमने रखा हुआ है साउंड सिस्टम, और आप देख लेंगे जैसे साउंड लगा, हमारी हर चीज इन्होंने ले ली। उसके बावजूद आप देखेंगे आवाम सड़कों पर, आप देखें, आप देखेंगे कि ये जितनी सराउंडिंग है 4-4 किलोमीटर दूर रास्ते बंद कर दिए हैं। आवाम का समंदर तमाम रास्तों के इर्द गिर्द है, लेकिन लोग पैदल गाँव से धड़कों से होके आ रहे हैं। देखिए बस आइए कि जैसा कामयाब ना हो, जैसा इतनी जल्द भी देनी है लेकिन कामयाब नहीं होने देना, लेकिन आवाम ने कामयाब करना है, कर रही है। अभी तो आवाम का मैं कहता हूँ जैसे का 10% भी नहीं आया, 90% आवाम पहुंचेगी तो फिर देखेंगे। और बंदर के बारे में जानता हूँ, सारा दिन बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, आवाम को दहशतगर्द कहते रहते हैं। ये तारे ये देख लो, किराए के लोग तुम्हारे जलसों में होते थे। रात मरियम ने एक शर्त रखी कि जलसे के अंदर जो है वो जबरदस्ती लोग नहीं लाने चाहिए, असल में ये खुद जबरदस्ती लाते हैं, किराए पर लाते हैं। हमारे जलसे में आवाम बगैर किराए के, बगैर बिरयानियों के लालच से सिर्फ और सिर्फ निकलती है इस मुल्क की खातिर, इमरान खान की खातिर।